बेस्ट मौका है गोकुल धाम में हाथ की सफाई करने का। इस वक्त गोकुल धाम में कोई भी मर्द नहीं, सारी औरतें अकेली हैं, आसानी से लूट लेगी। तो लूट की बोनी गोकुल धाम की पापड़ क्वीन मिसेज माधवी भीड़े से करती हूँ। बीड़े हाउस तो डन, अब सोडी हाउस की बारी। नमस्ते रोशन भाभी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मुझे नहीं पहचानती है ना, लेकिन मैं तो आपको पहचानती हूँ। एक्चुअली मैं दया बहन की सहेली हूँ पम्मी, मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ और आज मैं दया बहन को कुछ परफ्यूम्स दिखाने आई थी। स्वीट, आप दया भाभी की सहेली है जी? आइए आइए, प्लीज कम कम। एक्चुअली क्या है ना कि दया बहन भी साथ में आने वाली थी, बट जेठा भाई का फोन आ गया दुकान से और उन्हें दुकान बुला लिया। पर दया बहन ने मुझे कहा है कि उनकी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, तो मैं खुद ही चली आई। थैंक यू, पर आई एम सॉरी पम्मी, मैं आपसे परफ्यूम नहीं ले पाऊंगी। रोशन हर महीने एक दो अच्छी परफ्यूम्स लेकर आता है, तो इससे मेरे परफ्यूम की कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रोशन, तो फिर आपका नाम क्या है? रोशन, रोशन सिंह सोनी है उनका नाम। यू मीन रोशन एंड रोशन? पहली बार देखा है कि हस्बैंड और वाइफ का एक जैसा नाम है। बट वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपसे परफ्यूम नहीं ले पाऊंगी। ओके okay, कोई बात नहीं। देखिए इस बार आप मुझसे परफ्यूम नहीं ले रही हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझसे लेने होंगे। श्योर, 100%। लेकिन भाभी मेरे पास ना एक बहुत अच्छा परफ्यूम है, यू कैन कॉल इट किलर परफ्यूम। किलर परफ्यूम? एक ये है वो किलर परफ्यूम। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है भाभी। अच्छा, आप इसे लगाएंगी ना तो आपके हस्बैंड रोमांटिक मूड में आ जाएंगे, या फिर ये कहिए कि आपके दीवाने हो जाएंगे। रोशन, रोशन तो वैसे भी दीवाना है, उसे किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं है और दीवाना होने के लिए। ओहो, मतलब आप तो बहुत लकी हो भाभी। थैंक यू, टच वुड। बट फिर भी आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आप खुद मान लेंगी कि ये किलर वाला है। ओके ओके, वो क्या है ना, मुझे जुकाम हो गया तो थोड़ा सॉरी। Nice smell. मुझे कुछ हो रहा है। आप बेहोश हो रही है भाभी। ये क्या था स्प्रे में? मैंने कहा था ना भाभी, ये किलर परफ्यूम है। हाँ विकी, बोलो क्या हो रहा है? अरे दो विकेट डाउन। क्या क्या, टू विकेट डाउन? तू क्या क्रिकेट खेलने बैठी है वहाँ पे? ओह डफर, अपने मैच के दो विकेट, माधवी और रोशन। ओह गुड, अच्छा रोशन हाउस से कलेक्शन हुआ? नहीं नहीं, बस रोशन भाभी के यहाँ का कलेक्शन बाकी है, उसके बाद डॉक्टर हाथी के घर जाऊंगी। ओके, स्पीड अप रखना। ओके ओके, थैंक यू, बाय। हाँ बाय। बाय रोशन भाभी। नमस्ते कोमल जी। नमस्ते,
सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगी, हम पहली बार जो मिल रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे कैसे पहचानती है? एक्चुअली मैं दया बहन की फ्रेंड हूँ और मैं परफ्यूम सेल करती हूँ। अभी मैं दया बहन के घर से ही आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको भी परफ्यूम दिखा दूँ अगर आपको लेने हैं तो। वेल, अगर आप दया भाभी की सहेली हैं तो मेरी सहेली हैं। बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, ये ट्राई कीजिए। हाँ, नमस्ते कोमल भाभी। अरे ये कहाँ से बीच में आ गई, और ये विक्की, उसने मुझे अलर्ट भी नहीं किया। अरे मिसेस वाघवारे आइए। डॉक्टर हाथी है, मैं अपने सासू माँ की दवाई लेने आई थी। ओ, हंस तो बाहर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को दोबारा आती हूँ। थैंक गॉड, जा रही है। ओह कम ऑन मिसेस वाघमारे, आप हमेशा जल्दी में रहते हैं। आइए बैठे 5-10 मिनट, कम ऑन। ओह गॉड, यहाँ मैं टेंशन का बोझ सर पर उठाई हूँ और इन्हें गपशप करनी है। आइए आइए। चलो ठीक है। क्या बैठिए बैठे, ये दया भाभी की सहेली है, परफ्यूम्स बेचती है। नमस्ते। आप दोनों बातें कीजिए, मैं फटाफट चाय कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कॉफी वगैरह कुछ नहीं। अब मैं तो कॉफी पीऊंगी। अरे आपको पता है कोमल भाभी बढ़िया कॉफी बनाती है, मैं तो जरूर पीऊंगी। हाँ गुड, तो कौन सा, ब्लैक कॉफी या वो हमेशा वाला स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग कॉफी, दैट्स द स्पिरिट। अरे अब ये कॉफी बनाकर लाएगी, उसमें 10-15 मिनट बिगड़ जाएंगे। अभी लाई। सुनिए ना, कॉफी थोड़ी देर बाद ले आना ना प्लीज। थोड़ी सी कॉफी? एक्चुअली मैं कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चाय कुछ भी नहीं पीती हूँ। और वो क्या है ना कि लेट भी हो रही हूँ, तो आप अगर ये परफ्यूम्स पहले देख लेती तो। ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग गपशप करते हुए मस्त स्ट्रॉन्ग कॉफी पियेंगे। चलेगा? हाँ, थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये है रोज फ्रेग्रेंस, आप ट्राई कीजिए। और गहरी सांस लेके सूंघिएगा, आप भी कीजिए ना। एक्चुअली ये सब ओरिजिनल होममेड है। नाइस। हाँ, पर मेरे पास तो रोज कलेक्शन है ही। आई एम श्योर ये आपके कलेक्शन में बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, और ये परफ्यूम आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके। ये है ओरिजिनल जैस्मिन, ये देखिए ट्राई कीजिए। दूसरा हाथ दीजिए, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। राइट राइट। गहरी सांस लेके सुनिएगा। हाँ हाँ, आप भी ट्राई कीजिए ना। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओरिजिनल जैस्मिन। ठीक है, ट्राई। आप भी गहरी सांस लीजिए और ओके। हाँ हाँ, लीजिए गहरी सांस लीजिए, अच्छे से खुशबू लीजिए। हाँ हाँ, ये क्या है, ये क्या सुंघाया? ये तो परफ्यूम नहीं है, ये तो अरे ये तो परफ्यूम, ये परफ्यूम नहीं है। राइट, ये परफ्यूम नहीं, बेहोशी की दवा है कोमल जी। एक के साथ एक, फ्री फ्री फ्री। छी, कंजूस गई थी, इतने से पैसे लाए। बाय कोमल जी। अरे हाँ, हेलो मोना। अरे क्या हेलो, कैसी वॉच रख रहे हो तुम? हाँ, एक लेडी अभी डॉक्टर हाथी के घर आ गई थी, तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? अरे मोना डार्लिंग, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए फोन भी किया था, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। क्या फोन नहीं लग रहा था विक्की? अगर फोन नहीं लग रहा था तो तुम खुद आ जाते ना, मैं फंस जाती तो। अरे सॉरी मोना, आप डांटना बंद करो, ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं। हाँ हाँ, काम तो हो गया, मैंने दोनों को बेहोश कर दिया है। वेरी गुड, अब ज्यादा टाइम पास मत कर। अरे यहाँ है ना, एक तो ये टेंशन के मारे ना मेरा हार्ट बीट फास्ट होते जा रहा है। आई नो। अच्छा ये तो बताओ कि अब किसके घर जाऊँ? अरे मोना, तुझे जिसके भी घर जाना है जा, पर जा। ओके ओके। हाँ
तो मैं विकी बबीता के घर जाती हूँ। ओके ओके बाय बाय। ओ नो, लगता है बबीता तो घर से बाहर जा रही है। क्या करूं क्या करूं। हाय, गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी एक्चुअली दया बहन ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। ओके मैं उनकी फ्रेंड हूँ। ओके ओके आइए आइए, प्लीज वेलकम, प्लीज अंदर आइए, कम प्लीज हैव सीट, आइए बैठिए। थैंक यू। बोलिए क्या काम था। जी एक्चुअली मैं परफ्यूम सेल करती हूँ। दया बहन ने तो मुझसे 5 परफ्यूम्स खरीद भी लिए और कह रही थी कि बबीता जी को भी परफ्यूम बहुत पसंद है तो आपको भी दिखा दूँ। ओके एक्चुअली दया बहन भी मेरे साथ आ रही थी बट जेठा भाई का फोन आ गया तो उन्हें अर्जेंटली गड्डा इलेक्ट्रॉनिक जाना पड़ा। अच्छा हाँ, वैसे आप कैसे परफ्यूम्स पसंद करती हैं आप, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड कैसे। एक्चुअली मैं कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के परफ्यूम यूज करती हूँ, आई एम सो सॉरी। ओके बट एक बार ये भी ट्राई करके देखिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। या आई नो बट क्या है ना कि मैं वो पर्टिकुलर ब्रांड्स के ही यूज करती हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। आई एम सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। या आई अंडरस्टूड। वैसे दया बहन बिल्कुल सच कह रही थी। क्या यही कि बबीता जी जितनी खूबसूरत है उतनी दिल की भी साफ है, मतलब जो आपके दिल में है वो जुबान पर है, जो कहती है सच कहती है। आई अप्रिशिएट योर एटीट्यूड। थैंक यू सो मच। वैसे बबीता जी एक बात कहूँ, आप ब्यूटी विद ब्रेन है तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती। ओके थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है अभी तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ओके 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 नो प्रॉब्लम, एक मिनट और लूँगी। वो क्या है ना कि आप हमेशा ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करती हैं और मैं होममेड परफ्यूम सेल करती हूँ, राइट। जी तो आप ये परफ्यूम भी ट्राई करके मुझे बताइए ना कि इसमें क्या बेटरमेंट हो सकता है। वैसे आपको नॉलेज काफ़ी है तो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ ओके या व्हाई नॉट, दीजिए मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच, शुड आई। या अरे ये है बेहोश होने की ब्रांडेड दवा। बाय ब्यूटीफुल। Done, Mona. अच्छा सुन, अब काफी टाइम हो गया है, अलर्ट होकर मिशन पूरा करना, ओके? Yes, yes, Vicky. अच्छा, अब मैं अंजलि मेहता के घर जा रही हूँ, ओके? हाँ, नहीं, 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 तू पहले दया खड़ा के घर जा। अरे क्यों? अंजलि मेहता का घर सामने ही है, वहीं जाती हूँ ना। अरे अरे तू अंजलि मेहता के घर लास्ट में जा, उसका घर कंपाउंड में है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो भागने में आसानी होगी। हाँ 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 राइट, तो ठीक है मैं दया गड़ा के घर ही जाती हूँ। वैसे भी विक्की वो बहुत पैसे वाले हैं, काफी बड़ा घर है, अच्छा खासा माल मिलेगा, राइट? अरे हाँ, पर जरा संभाल कर, ओके? और मिशन फटाफट पूरा करना क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है। हाँ हाँ बहुत वक्त हो गया है, ठीक है मैं जाती हूँ। ओके ऑल द बेस्ट। ओके और हाँ, ये दया है ना जितनी भोली है ना उतनी ही तूफानी है, उसका शिकार करते करते खुद शिकार मत बन जाना। ओके हाँ मुझे डराओ मत। ओके बाय। नमस्ते। नमस्ते। आप दया बेन गड़ा? हाँ, आप मुझे जानते हो? जी दरअसल मैं माधवी की सहेली हूँ।
और उसके घर पापड़ खरीदने आई थी। अच्छा अच्छा, भीड़े बहन के सहेली है जी। आइए ना, बातें बाद में करेंगे, पहले आइए। जी जी, थैंक यू। आइए मदद करो। जी जी, थैंक यू। बैठिए। तो आपने आपका नाम क्या बताया? जी, मेरा नाम नैना है और दरअसल मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ। ओहो, आप तो अपनी सहेली भीड़े बहन के जैसे ही है। मतलब भीड़े बहन अचार पापड़ वो सब बेचते हैं और आप परफ्यूम बेचते हैं, मतलब आप दोनों बिजनेस करते हैं। राइट। एक्चुअली मैं माधवी के घर गई थी उसे परफ्यूम देने, तो उसने ही मुझे कहा कि दया बहन को भी अच्छे वाले परफ्यूम दिखा दो। लेकिन भीड़े बहन ने आज तक कभी आपके बारे में बताया नहीं है हमें। अच्छा, अरे लेकिन ऐसे कैसे, आप सबके बारे में तो बहुत बताती है। दया बहन वैसी है, रोशन भाभी, अंजलि जी, बबीता जी। अरे वाह, रुकिए मैं अभी बुलाती हूँ। किसे बुला रही हैं आप? भीड़े बहन को। अरे नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाइए। क्यों? अरे वो अचार और पापड़ की डिलीवरी के लिए बाहर गई है ना। ओ, अच्छा अच्छा, तभी तो, नहीं तो मैं उसे साथ में लाती और खूब डांटती। क्यों क्यों? अरे उसने मेरे बारे में आप लोगों को बताया नहीं है, अब ऐसे होगा तो मेरे परफ्यूम्स कैसे बिकेंगे आप? तो है बराबर। चलिए मैं आपको ना बढ़िया वाले परफ्यूम्स दिखाती हूँ। क्या हुआ? अरे आप भीड़े बहन की सहेली है और पहली बार हमारे घर पर आए हैं, तो चाय नाश्ता पहले और परफ्यूम बाद में। अरे नहीं नहीं दया बहन, अभी अभी माधवी के घर चाय नाश्ता बहुत हो गया। अच्छा, आपके यहाँ का चाय नाश्ता उधर? नहीं नहीं नहीं, मैं उधर उधर में नहीं मानती हूँ, आपको चाय नाश्ता अभी की अभी करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। दया बहन प्लीज ना, थोड़ी देर बाद पक्का, अभी ना बिल्कुल ही भूख नहीं है। खरे खर? ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको नाश्ता जरूर करना पड़ेगा, खाली पेट नहीं जाने दूंगी। मैडम एक बार परफ्यूम सूंघ तो लो, फिर इस घर से खाली नहीं जाऊंगी। आपका मंगलसूत्र, कंगन, झुमके सब माल लेकर जाऊंगी। क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, परफ्यूम दिखाओ। हेलो, हाँ बोलिए टिपू के पापा। क्या आप घर पर आ रहे हैं? अरे पर क्यों? हाँ? ओहो, नया घर देखने का बहुत मन हो रहा है, आप भी कभी कभी बच्चे जैसे हो जाते हो। चलिए चलिए काम कीजिए। हाँ? सोसाइटी कॉम्पन तक पहुंच भी गए। लो कॉम्पन तक पहुंच गए, आइए आइए आइए। टप्पू के पापा है ना, वैसे दोपहर को घर पर आते नहीं है, पता नहीं क्यों है, शायद आपकी वजह से आ रहे हैं। मेरी वजह से क्यों? अरे आपके परफ्यूम की वजह से, शायद कुदरत ने उनको यहाँ पर भेजा है। और टप्पू के पापा का क्या है, उनको अगर एक बार परफ्यूम पसंद आ गए ना, तो वो आपके सारे के सारे परफ्यूम खरीद लेंगे। अभी तक आए क्यों नहीं टप्पू के पापा? एक मिनट, मैं जरा बालकनी में देख कर आती हूँ। जी जी आइए। हाँ मोना। हेलो विक्की, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहाँ चले गए हो तुम? मैं पता है जेठालाल कंपाउंड में आ गया है। क्या? जेठालाल? जेठालाल कंपाउंड में कैसे, कब और कैसे? ये तू तू फोन चालू कर, मैं देखता हूँ। हाँ तेजी से मुंबई की लोकल ट्रेन में एक के बाद एक स्टेशन नहीं आते, उससे कहीं ज्यादा तेजी से गोकुलधाम में मुसीबत भरे हालात आते। लेकिन इस वक्त यहाँ पे हालात ऐसे हैं जैसे शिकारी खुद शिकार हो जाए। वो मोना और विकी, वो मोना जिसने सबको बेहोश कर दिया, उसके होश अभी उड़े हुए। भाई जेठालाल ने यह कहा है कि वो गोकुलधाम में आ चुके हैं, उड़ गए होश। अब क्या करेंगे जेठालाल? क्या जेठालाल मोना को पकड़ पाएंगे? क्या जेठालाल मोना और विकी को पकड़ के उनका पर्दाफाश करेंगे? क्या जेठालाल दया भाभी को बचा पाएंगे? या जेठालाल खुद फंस जाएंगे? या जेठालाल बेहोश हो जाएंगे? पता नहीं क्या होगा, लेकिन होगा बहुत कमाल का।
ये सब जो भी होने वाला है वो इतना आसान तो है नहीं कि आप स्मार्टफोन पे उंगलियां घुमा दें, लेकिन इसमें रोमांच भी है, रहस्य भी है, तो आप देखना मत भूलिएगा। ये जो चोर आए हैं गोकुलधाम में, इनका क्या हश्र होता है, गोकुलधाम वाले किस नई मुसीबत का शिकार बनते हैं, या फिर जेठा कुछ कमाल दिखाते हैं, सब कुछ दिखेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आप कहाँ हैं टप्पू के पापा? अरे सोसाइटी कंपाउंड में कोई नहीं दिख रहा है। क्या आप कंपाउंड में ही है? अरे कंपाउंड में तो एक ही भाई है, ढीली पैंट वाले, जो बार बार अपना पैंट ऊंचा कर रहे हैं। भाई साहब जरा सुनिए तो, आपने टप्पू के पापा को देखा? मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।